हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉम क्रॉलेट मौत के बारे में। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंग्लैंड के प्लेयर है। और दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले टॉम क्रॉलेट के 85 के बारे में। तो दोस्तों, इनका 85 कुल 30 गेंदों में लगा था। और दोस्तों, मेरे हिसाब से ये अबू धाबी टिटन लीग में एक नॉन मेसी बात होगी। और दोस्तों, कुल इन्होंने अपने 85 में 5 चौके मारे और सिर्फ 3 छक्के मारे अपने 85 में। और दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं टॉम क्रॉलेट के स्ट्राइक रेट की, तो दोस्तों उस समय टॉम क्रॉलेट का स्ट्राइक रेट था 217.39 का, जो कि दोस्तों एक बहुत ही सही स्ट्राइक रेट भी मानी जाती है 10 ओवर वाले गेम में। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई टॉम क्रॉलेट के 85 के बारे में। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉम क्रॉलेट के पूरे टोटल स्कोर के बारे में। तो दोस्तों, टॉम क्रॉलेट ने सिर्फ 54 रन बनाए, वो भी 28 गेंदों में। दोस्तों, इससे आपको पता चल रहा होगा कि अपने 85 के बाद इन्होंने 5 गेंदों में 4 रन बनाए, जो कि दोस्तों आखिरी के ओवर्स में ये अच्छा नहीं है। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि टॉम क्रॉलेट ने कुल 5 चौके मारे और 3 बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े छक्के भी मारे। और दोस्तों, अगर बात करते हैं टॉम क्रॉलेट के स्ट्राइक रेट की, तो दोस्तों उस समय उनका स्ट्राइक रेट था 192.86 का, जो कि दोस्तों एक बहुत मतलब आखिरी के ओवर्स में थोड़ा सा गंदा स्ट्राइक रेट भी माना जा सकता है। और दोस्तों, अब आपको बताना चाहता हूँ कि 9.1 वाले ओवर में किस जोर्डन की गेंद पे टॉम क्रॉलेट मोर आउट हो गए। और दोस्तों, अगर बात करें उनका कैच किसने पकड़ा, तो दोस्तों टॉम क्रॉलेट मोर का कैच पकड़ा टेनन अहमद ने। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ। तो दोस्तों, मुझे लगता है मुझे जो आपको बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे मारे टॉम क्रॉलेट ने वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छक्के। और दोस्तों, कैसे केरी टॉम क्रॉलेट मौत की वो पड़ी विकेट। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं।